हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ सभी की फेवरेट मैगी। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि मैगी बनाने में गया यार, मैगी तो कोई भी बना सकता है। जी हाँ, मैगी कोई भी बना सकता है, बट जिस तरीके से आज मैं सिखाने जा रही हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी आई एम श्योर। और आप इस तरीके से बना के दूसरों को भी इम्प्रेस कर सकते हो, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। और चलिए सीखते हैं कि हम ये स्पेशल बटर मसाला मैगी विद लॉट्स ऑफ वेजीज कैसे बनाते हैं। जब हमारा पैन गर्म हो जाए तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, जस्ट थोड़ा सा ही। इसी ऑयल में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब बटर। जब बटर मेल्ट हो जाए पूरी तरीके से तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब जीरा। जब जीरा अच्छे से चटकने लगे तो हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज के कटे हुए आलू और इसको मिक्स करेंगे ताकि जीरा और जल ना जाए। इस स्टेज पे हमने आलू को अच्छे से थोड़ा रेड होने तक भूनना है। आलू थोड़े से हार्ड होते हैं और हमने बहुत ही छोटे छोटे क्यूब्स में काटे हैं। याद रखिएगा, छोटे क्यूब्स में काटना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बड़ा मत करेगा, नहीं तो आपको पकाने में प्रॉब्लम होगी और आलू कच्चे रह जाएंगे। आलू हमारे लाल हो चुके हैं, अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 1 मीडियम आकार की कटी हुई प्याज और इसको सॉटे करेंगे। ये देखिए, हमारी आलू काफ़ी अच्छे से लाल हो चुकी है, इतनी भी पक गई है। ये छोटे थे तो आराम से पक गए। थोड़ा सा सॉटे करने के बाद जब प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए तो उसमें हम डालेंगे आधी कटी हुई शिमला मिर्च। अब इसी स्टेज पे हम डालेंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने पहले नहीं डाला है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये तेल में जल जाती है, तो मुझे इसमें जला टेस्ट पसंद नहीं है मिर्ची का। तो जब आप प्याज सॉटे कर लोगे उस स्टेज पे आप 1 कटी हरी मिर्च डालो, थोड़ा सा सॉटे करो और आफ्टर 30 सेकेंड्स आप उसमें टमाटर ऐड करो। टमाटर हैं हमारे 1 मध्यम आकार के, मीडियम साइज। थोड़ा सा भूनने के बाद आप डालोगे 1 चौथाई चम्मच हल्दी, 1/4 का भी आधा मतलब 1/8 टीस्पून सॉरी टेबल स्पून लाल मिर्च। अगर आपके घर में बच्चा है, तीखा ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। और 1/2 चम्मच के करीब काला चाट मसाला। आपके पास काला ना हो, अगर बाजार का भी है तो वो भी चलेगा, एक ये अच्छी से खटास देता है मैगी को। फिर से मिक्स करेंगे। सब्जियां अच्छे से हो चुकी हैं, अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे 1 पैकेट मैगी मसाले के लिए हमें चाहिए होता है 350 ml के करीब पानी। पानी का अंदाज़ा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो एक नॉर्मल घर वाला ग्लास होता है उसमें 350 ml पानी आता है। ये डाल दिया हमने पानी। अब हम डालेंगे इसमें मैगी। मैगी को आप पैकेट के अंदर ही थोड़ा सा क्रश कर लो। पानी में उबाल आने के बाद हम ऐड करेंगे मैगी मसाला। मैं यहाँ पे मसाला पहले ऐड कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी होता है कि नूडल्स ऐड करने के बाद आप मसाला ऐड करते हो तो वो प्रॉपर अच्छे से मिलता नहीं है। तो 1 पैकेट मैगी मसाला हमने ऐड कर दिया। मैं एक्चुअली इस मैगी में 2 पैकेट मैगी मसाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका नाम बटर मसाला मैगी है, तो मसाला ज़्यादा होना चाहिए। और हमने सब्जियाँ भी डाली हैं, उनमें नमक नहीं डाला है। मैगी मसाले में नमक होता है तो वो चीज़ बैलेंस आउट हो जाएगी। अब हम डाल रहे हैं मैगी।
से मिक्स करेंगे थोड़ा सा। एक मिनट के लिए आप छोड़ दो, ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे ये नूडल्स। ये देखिए दोस्तों, हमारी मैगी का पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है। कुछ लोगों को गीली मैगी पसंद है, पानी वाली, तो आप इतने स्टेज पे बंद कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा और ड्राई करूँगी क्योंकि मुझे सूखी वाली मैगी पसंद है। अब हमारी मैगी बिल्कुल रेडी है। इसमें अब हम ऊपर से ऐड करेंगे कुछ चीज़ें। पहले तो हम इंडक्शन बंद कर रहे हैं। मैगी बनने के बाद ये गया थोड़ा सा कटा हरा धनिया, और अब जाएगा थोड़ा सा घी। बटर मसाला है तो बटर और घी का यूज़ मैं कर रही हूँ ताकि वो बटरी फ्लेवर आए। तो ये हमने ऐड कर दिया घी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, घी और अमूल के बटर से जो टेस्ट आता है ना, वो कोई बीट नहीं कर सकता। थोड़ा सा अमूल का बटर, और आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट जब चीट कर रहे हो तो चीट डे पे चलता है। देखते हो हमारी मैगी बिल्कुल रेडी है, हमारी बटर मसाला मैगी विद लॉट्स ऑफ वेजीज। डेफिनेटली ट्राई कीजिए, हमें फीडबैक बताइएगा कि कैसी बनी आपकी मैगी। इन फ्यूचर मैं आपको और भी तरीके की वैरायटीज़ बताऊंगी मैगी में, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।